हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन क्लासेस। मायसेल्फ संतोष कुमार। आज हम लोग क्लास फोर की एनसीईआरटी बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर द लिटिल फर ट्री पढ़ने वाले हैं। फर ट्री जिसे हम देवदार कहते हैं, देवदार का पेड़ जो हिली स्टेशन में माउंटेन एरिया में पाया जाता है। फर का एक मीनिंग होता है रोएदार। लिटिल फर ट्री एक छायादार पेड़ भी होता है जिसके नीचे बैठ के हम छाया ले सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है फर ट्री कैसा होता है। तो आइए हम स्टोरी शुरू करते हैं। शेट्टी द मजीशियन वाज रिटर्निंग होम। शेट्टी नाम का एक मजीशियन था। मजीशियन मीन्स होता है जादूगर। एक जादूगर था जो अपने घर वापस जा रहा था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। अचानक से पानी बरसने लगा, बरसात होने लगी। इट रेन्ड हैवीली। बहुत जोर जोर से पानी बरसा। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। शेट्टी ने छाया के लिए, बचने के लिए चारों तरफ देखने लगा। एंड सा अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। और उसने एक सुंदर सा छोटा लिटिल फर ट्री देखा। ही रैन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वो इसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा जितनी तेज वो दौड़ सकता था। सून द रेन स्टॉप्ड। जल्दी ही बरसात बंद हो गई। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेट्टी खुश हो गया क्योंकि वो नहीं भीगा। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। आस्क फॉर फोर विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। जादूगर ने लिटिल फर ट्री से कहा, थैंक यू, आप बड़े दयालु हैं, आपने मुझे पानी से, बरसात से बचा लिया। मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ। कोई भी चार इच्छाएँ बताइए, मैं उनको पूरी करूँगा। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि शेट्टी के हाथ में मैजिक वांड है। वो लिटिल फर ट्री से बात कर रहे हैं। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। जो दुखी पेड़ था वो दुखी इसलिए था क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो सुई की तरह नुकीली थी, जिसकी वजह से कोई भी बर्ड, कोई भी पक्षी उसके पेड़ पे घोंसला नहीं बनाते थे, अपना घर नहीं बनाते थे। तो इट सेड, इसलिए उसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ हरी हरी हो जाएं, जैसे कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे पेड़ों की हरी हरी पत्तियाँ हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह पेड़ ने क्या देखा? इट्स विश वॉज ग्रांटेड। उसकी इच्छा पूरी हो गई, उसकी सारी पत्तियाँ हरी हरी हो गई। सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। जल्दी ही थोड़ी देर में वहाँ एक बकरी आई और उसने उसकी सारी हरी हरी पत्तियाँ खा ली। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। फिर दुखी होकर फर ट्री ने क्या कहा? ओ डियर, मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाएं, गोल्डन हो जाएं, क्योंकि बकरियाँ गोल्डन लीव्स तो खाएंगी नहीं। व्हेन द लिटिल फर ट्री वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, इट वॉज सरप्राइज्ड टू सी गोल्ड लीव्स। अगली सुबह जब लिटिल फर ट्री जागा, उसने देखा कि उसकी सारी पत्तियाँ सोने की हो गई है। वो तो सरप्राइज हो गया। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। उसने क्या कहा? मैं बहुत खुश हूँ। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। फिर एक आदमी आया, उसकी सारी सोने की पत्तियाँ चुरा ले गया। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आदमी, देखिए, लेके उसकी पत्तियाँ भाग रहे हैं चुरा चुरा के, क्योंकि गोल्ड की पत्तियाँ तो लोग चुरा ही लेंगे, तो इसलिए चोर आए चुरा ले गए। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड, कि मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ ग्लास की हो जाएं, शीशे की हो जाएं। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि आदमी शीशे की पत्तियाँ तो चुराएंगे नहीं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी पत्तियाँ शीशे की हो जाएं, ग्लास की हो जाएं। नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। अगली सुबह जब लिटिल फर ट्री जागा, उसने देखा कि उसकी पत्तियां तो शीशे की बन गई हैं और वो चमचमा रही हैं। फिर उसने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू वू वू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। रात में बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी और उसकी सारी ग्लास की पत्तियां टूट के गिर गई। देखिए इस पिक्चर में उसकी सारी पत्तियां गिर गई हैं, केवल उसकी टहनियां बची हैं बस। ओ डियर, सेड द फर ट्री। फर ट्री ने कहा, ओ डियर, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम।
मुझे तो मेरी पुरानी निडिल लाइक लीव्स ही पसंद है। सुई की तरह भले ही नुकीली थी मेरी पत्तियाँ, वही सबसे अच्छी है क्योंकि उसे कोई भी बकरी खा नहीं पाएगी। नो मैन कैन स्टील देम, कोई आदमी उसे चुरा नहीं पाएगा। द विंड विल डू देम नो हार्म, और कोई भी हवा उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी पुरानी पत्तियाँ ही मिल जाए तो अच्छा है। द ट्री वेंट टू स्लीप, और फिर वो लिटिल फर सो गया। When it woke up the next morning, it had all its needles back again. अगली सुबह जब उसने उठा, तब उसने देखा कि उसकी सारी पत्तियाँ पुराने जैसी needle like हो गई थी। Oh, I never was so happy, said the little fir tree. फिर little fir tree ने कहा कि मैं तो इतना खुश पहले कभी नहीं था। Students, हमें इस स्टोरी से moral मिलता है कि हमारे पास जो भी है अच्छा है, दूसरे का भले ही अच्छा हो उसका देख के लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसी को और डेवलप करना चाहिए, उसी को और बेहतर बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे न्यू वर्ड्स भी लिखा हुआ है, लेट अस सी। प्रेटी, प्रेटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, लवली। निडल्स मीन्स होता है सुई, सुई की तरह। लीव्स पत्तियाँ। गोल्ड येलो कलर का एक मटेरियल होता है जिसका ऑर्नामेंट बनता है, गहने बनते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सोना कहते हैं। स्टोल मीन्स चुराना। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि स्टोरी आपको समझ में आई। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको दूसरे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। Till then, keep study and stay happy. Bye-bye.